और मेटल वो सेक्टर जहां पे जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है, और इसी सेक्टर से मैंने चुना है एक छोटा स्टॉक जिसका नाम है जिंदल स्टेनलेस या जेएसएल स्टेनलेस। और इस स्टॉक पर आप देखिए 55 रुपए के टारगेट के साथ इस समय हम तेजी की बात कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? मेटल शेयरों में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, दुनिया में मेटल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कंपनी जो है ये खासतौर पर स्टेनलेस स्टील फेरोक्रोम के जिस कारोबार में है वहां पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने करीब करीब 30% के आसपास अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दाम बढ़ते हुए देखे हैं। निकल के दाम पर नजर रखिएगा और एलएमई के चार्ट आप ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि निकल के दाम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेनलेस स्टील चलता है और वहां पर एक जबरदस्त बुलिश मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एनालिस्ट कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं उनका यह मानना है कि यहां पर आप 10-20% की और तेजी देखने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दाम में। जो एनालिस्ट इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं वो ये मान रहे हैं कि करीबन 9-10% की वॉल्यूम ग्रोथ वो आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के दौरान देख रहे हैं, और उस लिहाज से इस स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब इस कंपनी के स्टॉक पे जो हमने कुछ प्रेशर देखा था उसके पीछे जो कुछ एक वजह थी, एक बड़ी वजह थी कि इनके ऊपर कर्ज काफी था, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं हमें पिछले 3 सालों में इन्होंने करीब 60% से कर्ज घटाया है। जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, जो मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और जो इसके फाइनेंशियल्स को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, उनका यह मानना है कि जिस तरह के कैश फ्लो इस समय आ रहे हैं उसको देखते हुए करीब 30% के आसपास कर्ज और कम हो जाएगा आने वाले 6-8 क्वार्टर के दौरान। ये वो अपना प्रोजेक्शन लेकर इस समय चल रहे हैं, और ये पूरा का पूरा ये जो कंट्रीब्यूशन आएगा फिर वो आपको ईपीएस के तौर पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक अच्छी जंप इस लिहाज से यहां पर आती हुई दिखाई देने वाली है। ये कंपनी सीडीआर के प्रोसेस से निकलने की कोशिश में है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक बैंकर्स के साथ बातचीत हो रही है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ एक कंडीशंस इन्होंने पूरी कर दी है और बाकी की भी ये पूरी करने की तैयारी में है, और उसके चलते अब एनालिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी जल्द ही आपको वो एक बड़ी राहत बैंकर्स की ओर से भी मिलती हुई इस कंपनी को नजर आएगी। इस स्टॉक पे मेटल शेयरों में इस समय अगर आप देखें तो काफी सस्ते और अट्रैक्टिव शेयरों में से ये एक नजर आ रहा है। जिस तरह के प्रोजेक्शंस हैं यहां पर एनालिस्ट के अगले 4-6 क्वार्टर्स के लिए, उनको देखते हुए अंदाजा यह है कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश करने वाले हैं, और उस हिसाब से इस समय आपके लिए एक अट्रैक्टिव मौका यहां पर बनता है। एक और खास बात जो हमें नजर आई पिछले कुछ दिनों में बाजार में जो डील्स हुई है उस पर हमने नजर डाली, और वहां पर नजर आ रहा है कि दरअसल इसके प्रमोटर्स ने बाजार से हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें यहां पर आता हुआ दिखाई दिया। छोटे स्टॉक्स में जब भी आप देखते हैं कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है या प्रमोटर्स बाजार से बाइंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको एक इम्पैक्ट दिखाई देता है कि बाजार में बाजार ये अंदाजा लगाता है कि हाँ आगे आने वाले नतीजे अच्छे होने वाले हैं, खबर अच्छी आएगी, और उस उम्मीद में वहां पर खरीदारी होती हुई दिखाई देती है। तो एक पक्का रीरेटिंग का केस यहाँ पे बनता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की एक बड़ी हिस्सेदारी दरअसल प्लेज है। तो जब हमने इसको एनालाइज किया और कुछ एनालिस्ट जो इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं, इस पे रिपोर्ट्स लिखते हैं बड़े लोकल ब्रोकरेजेस के, उनसे मैंने बात की, तो उनका ये कहना था कि दरअसल कंपनी ने जो कर्ज लिया है उसके सामने ये प्लेज किया गया है, ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, ये कोई लोन अगेंस्ट शेयर नहीं लिया गया है, यहाँ पर मार्जिन की कोई कॉल कभी नहीं आएगी, और इनफैक्ट कैश फ्लोस को देखते हुए उनका अंदाजा ये है कि ये दरअसल आगे चल करके प्लेज खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। चूंकि प्रमोटर्स दरअसल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर इस तरह की भी कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। कंपनी जो मुश्किल दौर से बाहर निकल रही हो, जिसको लेकर एनालिस्ट आगे एक बुलिश आउटलुक रखते हो, वहां पर मुझे लगता है इस समय आपके लिए बहुत ही शानदार निवेश का मौका बनता है, खासतौर पर तब जबकि इस सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, आप इसके चार्ट देख पा रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए चार्टिकली अगर यहाँ पे आप स्लाइटली पोजिशनल जो बात कर रहे थे, मैं वीकली चार्ट चेक कर रहा था, बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, और इनफैक्ट जो बेस बना है 25-26 के आसपास, उसके बाद हमने इसमें रैली देखी करीबन 43-44 तक, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन में चला गया करीबन, जिसका सपोर्ट ये मेंटेन कर रहा था 38 के आसपास। तो 38 के सपोर्ट के साथ आप मुझे लगता है कि अब ये इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, और जिसका टारगेट आपने राइटली आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये वीकली अपने टारगेट लिया है 54-55 है उसका नेक्स्ट बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये बाय बनेगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 39 का। शर्मिला बिल्कुल, यू नो आई थिंक काफी आपने एग्जॉस्टिव चीजें कही है। एक कैवियट की आई ओन द स्टॉक, कैवियट नहीं है, डिस्क्लोजर, आई ओन द स्टॉक। और दूसरी चीज, यू नो जस्ट टू ऐड टू एवरीथिंग दैट यू सेड, आई थिंक एक जो चीज है जो मुझे ये स्टॉक में अच्छी लगती है वो ये है कि स्टेनलेस स्टील इज एक्चुअली फाइंडिंग मोर एंड मोर यूज, तो इट्स ऑल्सो दैट स्टोरी, क्योंकि उसके लिए डिमांड बढ़ेगा, खास करके क्योंकि उसके यूजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यू नो आई थिंक इट्स अ सिमिलर स्टोरी फॉर बोथ हिंडाल्को एंड जिंदाल स्टेनलेस इन दैट सेंस, कि स्टेनलेस स्टील के लिए देयर आर मोर ऑप्शंस वेयर इट कैन बी यूज, और वैसे एल्युमिनियम भी ज्यादा यूज हो रहा है, सो दीज आर द टू स्टॉक्स इन फैक्ट दैट आई लाइक इन द मेटल स्पेस। ओके, तो ये स्टॉक इस पर शर्मिला भी मोहर लगाती हुई, जेएसएल स्टेनलेस, जहां पर तेजी का कॉल इस समय 55 रुपए के टारगेट हमारी ओर से है।